गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम प्लस वन क्लासिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। टॉपिक चल पड़ा है सम बेसिक कंसेप्ट है किसके हैं, केमिस्ट्री के। तो आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री क्या है। देखो केमिस्ट्री के बारे में, देखो नाम से ही पता चल रहा है केमिस्ट्री है क्या। ठीक है, केमिस्ट्री क्या है यानी कि देखो केमिकल, यानी कि इसका मतलब आपको पता चल गया कि जो केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी करवा हुआ है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में क्या होते हैं, केमिकल कंपोजिशन होते हैं। केमिकल कंपोजिशन का अर्थ यह है कि उसके अंदर जो घटक होते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करता है। तो कंपोजिशन, या फिर ये बोलते हैं डायरेक्टली के जो रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट हैं उसके बारे में स्टडी करवा हुआ है। ठीक है, तो वो केमिकल कंपोजिशन ही कहलाते हैं, रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है नहीं, तो उसके बारे में जो स्टडी करवाता है या स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करवाता हो कि संरचना इसकी क्या बनेगी, स्ट्रक्चर क्या बनेगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करवाता हो तो उसके बारे में उसको क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है, देखो अब आपको पता चल गया कि साइंस की क्या थी, साइंस की तीन ब्रांच है भाई, साइंस की तीन ब्रांच है। ठीक है, तो देखिए एक तो है केमिस्ट्री और एक है फिजिक्स और एक है बायोलॉजी। ठीक है, तो अब देखो केमिस्ट्री की डेफिनेशन दे रही है आपने, केमिस्ट्री क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, क्योंकि साइंस की तीन ब्रांच है। तो केमिस्ट्री क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस विच हमें किसके बारे में स्टडी करवाए, विच स्टडी विद द केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन के बारे में स्टडी करवाए, केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी करवाए, या फिर उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करवाए। किसके स्ट्रक्चर, ऑफ मैटर, मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, या फिर मैटर के केमिकल कंपोजिशन के बारे में या मैटर की केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी करवाता है, उसको क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। अब जैसे ये स्केच है, इस स्केच में ये स्केच किस किस सब्सटेंस से मिलकर बना है, तो उसके बारे में जो स्टडी करवा हुआ है केमिकल कंपोजिशन यानी कि केमिस्ट्री। ठीक है, इसके बाद ये किस चीज के साथ रिएक्शन करता है, नहीं करता है, तो उसके बारे में स्टडी करवाता है, उसको बोलते हैं केमिस्ट्री। ये क्या है, एक मैटर है, क्या है, मैटर। अब बात चल पड़ी कि केमिस्ट्री क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ द साइंस, ब्रांच ऑफ द साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ द केमिकल रिएक्शन, केमिकल कंपोजिशन या स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर। किसके है, मैटर के। अब वर्ड आ गया मैटर क्या है, अब आपको पता होना चाहिए कि मैटर क्या है। ठीक है, तो मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। देखो मैटर है क्या, देखिए अब आपको पता चल गया कि मैटर क्या है, उसके बारे में देखिए। जब हम इसको स्केच को कहीं रख दिया तो ये स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, देखो स्थान घेर लिया तो इसको क्या बोलते हैं, मैटर, जो स्थान घेरता है। या फिर यू कह सकते हैं कि अपनी फाइव सेंस हैं, पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियों में से किसी एक ज्ञान इंद्रिय के द्वारा अनुभव किया जाए। तो देखो क्या कहोगे, मैटर इज सेड टू बी, मैटर इज सेड टू बी कब कहा जाता है, व्हेन इट ऑक्यूपाई, क्या करता हो, इट ऑक्यूपाई स्पेस, ऑक्यूपाई स्पेस, जो स्थान लेता है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैटर। अब बात चल पड़ी कि मैटर, या फिर दूसरे वर्ड में कहते हैं कि मैटर इज सेड टू बी, मैटर कब कहलाता है, व्हेन इट इज सेड टू बी, कब कहलाता है, व्हेन इट इज फेल्ट बाय आवर सेंस, यानी हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं उन ज्ञान इंद्रियों के द्वारा महसूस किया जाए। जैसे आप कोई पूछता है एग्जांपल मैटर का, जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, कोई मेटल है, तो ये एग्जांपल है, एयर इज ए मैटर है। ठीक है, तो कैसे, कोई पूछता है कि एयर कैसे मैटर है, तो कोई खाली बोतल ली और या गिलास लिया, उसको इन्वर्ट किया, पानी में इमर्स करने की कोशिश की, तो उसको डुबोने की कोशिश की, डूबा नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर पानी भरा हुआ है, एयर भरी हुई है। तो इट मींस इसका मतलब एयर ऑक्यूपाई द स्पेस, जो ऑक्यूपाई स्पेस करता है, जो स्थान घेरता है, उसको क्या बोलते हैं, मैटर, क्या बोलते हैं,
मैटर, ठीक है। तो मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। देखो देखो भाई, स्टेट के आधार पर मैटर थ्री टाइप्स का बताया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब बात चल पड़ी टाइप्स ऑफ मैटर, यानी सॉलिड क्या है, सॉलिड क्या है। तो ए मैटर इज सेड टू बी सॉलिड, किसी मैटर को, कोई भी मैटर है अपने पास, उसको सॉलिड क्या कहेंगे। ए मैटर इज सेड टू बी सॉलिड, क्या कहलाएगा वो सॉलिड। देखो भाई, अब कंडीशन याद रखनी है, जैसे ये सॉलिड है तो देखो इसकी फिक्स निश्चित कोई ना कोई आकृति है, शेप है, इसका वॉल्यूम भी फिक्स है, मास भी फिक्स है। तो जिसकी तीनों चीज फिक्स है तो उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड। क्या बोलते हैं, सॉलिड। ए मैटर इज सेड टू बी सॉलिड इफ इट हैव फिक्स्ड शेप, वॉल्यूम एंड मास। जिसकी तीनों चीज फिक्स है उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड। क्या बोलते हैं, सॉलिड। यानी कि देखो कोई बुक है, बेंच है, उसकी शेप फिक्स्ड है, ठीक है, उसका वॉल्यूम फिक्स होगा कुछ ना कुछ, और क्या है, मास होता है ही उसका। गैस, अब क्या गैस क्या कहलाता है। ए मैटर इज सेड टू बी, सेम लिखते चले जा रहा है, ए मैटर इज सेड टू बी गैस कब कहलाएगा। आप देखो जब अपने पास एयर है, ठीक है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो ये सारे के सारे गैसीय स्टेट में है। देखो किसी का ना तो अपने घर में एलपीजी गैस आती है, ना तो उसकी कोई शेप है, ठीक है, ना उसका कोई फिक्स वॉल्यूम, ठीक है। यदि एक छोटे सिलेंडर में है तो छोटे शेप की आकृति ले ले, छोटे सिलेंडर की, बड़े सिलेंडर में तो बड़े सिलेंडर की आकृति ले ले, और उसको खोल दे तो पूरे कमरे की आकृति ले ली। तो इसका मतलब उसकी शेप भी फिक्स नहीं है, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। तो सेड टू बी गैस इफ नाइदर हैव फिक्स शेप नॉट फिक्स वॉल्यूम। मास फिक्स होता है क्योंकि सिलेंडर आप मेजर करके लेके आते हैं तो 14 किलो का, 15 किलो का, 12 किलो का, तो फिक्स है, मास फिक्स रहता है, ठीक है, शेप फिक्स नहीं होती और उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं रहता, ठीक है। उसके बाद है लिक्विड। देखिए ए मैटर इज सेड टू बी लिक्विड, अब आपको पता चल गया जैसे पानी है, ठीक है, तो या फिर दूध लेके आते हैं, तो आपने पढ़ा क्या कि दूध लेके आते हैं तो क्या है कि 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर कुछ ना कुछ लिक्विड सब्सटेंस है, तो इसका उसका वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन उसकी शेप फिक्स नहीं है, जिस बर्तन में डालेंगे उसी का ले लेगा, ठीक है। सेड टू बी लिक्विड इफ क्या हो, इट हैव फिक्स्ड, क्या होगी इसकी फिक्स्ड भाई, अभी बताया फिक्स्ड वॉल्यूम, आयतन फिक्स होगा इसका, बट नॉट ए क्या फिक्स नहीं होगा, बट नॉट ए फिक्स क्या नहीं फिक्स होगा भाई इसका, सेम फिक्स नहीं होती, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, लिक्विड। क्या बोलते हैं, लिक्विड। तीनों के एग्जांपल अच्छे से याद है, सॉलिड का कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है, पैन दे दी आपने, ठीक है, ब्रिज हीट दे दी, गैस का एग्जांपल आपने दे दिया ऑक्सीजन जैसे, ठीक है, लिक्विड का एग्जांपल दे दिया जैसे H2O है, ठीक है। तो अब ये इसके एग्जांपल, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये टाइप थे मैटर के, टाइप्स ऑफ द मैटर ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट, स्टेट के आधार पर तीन प्रकार के बताए थे, तो ठीक है। उसके बाद